अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़ीशान। नाज़रीन, पानामा लीक्स पर बनी मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी का डेडलॉक जूं जूं तवील होता जा रहा है, वैसे ही मुल्क पर एहतजाजी सियासत के बादल छाते नज़र आ रहे हैं। इसका आगाज़ डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी 17 जून को लाहौर में धरना देकर करने जा रहे हैं। ये 4 सालों में उनका 3रा धरना होगा, जबकि धरना सियासत से नाम कमाने वाले एक और लीडर इमरान खान भी ईद के बाद सड़कों पर निकलने का अब जहन बना चुके हैं। 2014 में डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी और इमरान खान तो धरना सियासत के पार्टनर रह चुके, लेकिन एहतजाज़ अहसन साहब के बयान देखें जिससे ये लगता है कि इस बार क़ादरी साहब और इमरान खान को पीपल्स पार्टी की सूरत में अब एक नया इत्तेहादी भी मिल सकता है। याद रहे कि बिलावल भुट्टो पहले ही ईद के बाद जियालों को सड़कों पर निकलने के लिए तैयार रहने का हुक्म दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अहम सवाल ये है कि अगर TORs का मसला मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी में नहीं सुलझता तो क्या उसका हल सिर्फ एहतजाजी सियासत ही रह गया है? क्या इस मसले का हल का अगला फोरम पार्लियामेंट नहीं, जो 20 करोड़ अफराद का नुमाइंदा इदारा है? अगर ये सियासी मसले सड़कों पर ही हल होने हैं, अगर जलाओ घेराओ ही हर मसले का हल है, तो फिर आखिर पार्लियामेंट किस मर्ज की दवा है? सियासत तो नाम ही बंद दरवाजे खोलने का है, और अगर सियासतदान आपस में बैठकर इख्तलाफात निपटाने पर तैयार नहीं तो क्या ये बात कौम के मुंह पर एक तमाचा नहीं जिन्होंने इन सबको मुंतखब किया है? TORs कमेटी अगर किसी नतीजे पर पहुंचने में नाकाम हो चुकी है, जिसके बारे में शाह महमूद कुरैशी ये कह चुके हैं कि अब इस कमेटी के इजलासों में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं, तो फिर आखिर वो इस कमेटी से अलहदा क्यों नहीं हो जाते और इसके खिलाफ पार्लियामेंट या अदालत में जाकर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? इस तमाम सूरत हाल में लगता तो कुछ यही है कि अपोजिशन जमातें आइनी इदारों को बाईपास करके सियासी मसला सड़कों पर ले जाने का फैसला कर चुकी हैं। तो क्या अब हम 2014 के धरना का Part 2 का रीप्ले देखने को तैयार रहें? इस पर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि हव्वा की बेटी पर तशद्दुद के घिनौने और गैर इंसानी जो हथकंडे हैं, ये अब हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। जी हाँ, एबिटाबाद के अम्बरीन हो, मरी की मारिया या लाहौर की जीनत बीबी, इन लड़कियों को आग के शोलों का लिबास पहनाकर मौत की वादी में उतारा गया। आखिर इन लड़कियों का कसूर क्या था? जो मुजरिमों ने खुद ही अदालत लगाई, खुद ही वकील हुए और खुद ही मुनसिफ बनकर इन्हें ऐसी गैर इंसानी सजा सुना दी। जुल्म और दहशत के ये वाकयात हमारे माशरे के चेहरे पर एक बदनुमा दाग हैं जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और ऊपर से सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब औरत पर तशद्दुद रोकने के लिए गैरत के नाम पर कत्ल और जलाई जाने वाली ख़वातीन से मुतालिक कानून साजी की बात होती है तो उनकी मुखालफत में मुख्तलिफ जमातें और तंजीमें उठ खड़ी होती हैं, लेकिन जब इन औरतों को यूँ तशद्दुद करके मारा जाता है तो उनकी जानिब से मजम्मत का एक लफ्ज़ तक सामने नहीं आता। क्या अब वक्त नहीं आ गया कि मौसर कानून साजी की जाए और मुजरिमों को सख्त से सख्त ऐसी सजा दी जाए कि इनकी जमानत भी ना हो सके? जबकि माशरे में औरतों के हवाले से रवैये को भी तब्दील करने की एक नई कोशिश होनी चाहिए, इस पर भी आज हम बात करेंगे। अब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अवामी तहरीक के रहनुमा खुर्रम नवाज गंडापुर साहब और इस्लामाबाद से डॉक्टर शायद मसूद साहब हैं, कराची से जफर हिलाली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं इन इश्यूज़ पर बात करूँ, ज़ाहिर है आपके नॉलेज में भी होगा, यकीनन आपके नॉलेज में होगा कि अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में कि एक नाइट क्लब में जो वाकया पेश आया है जिसने फायरिंग की है, उसका नाम उमर मतीन बताया गया है। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं कि 9/11 के बाद अमरीका ने मुसलमानों के हवाले से जो पॉलिसीज बनाई उसका खमियाजा आज तक हम लोग भुगत रहे हैं, जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है ये सब जानते हैं, और ऊपर से ऐसे वाकयात में भी मुसलमानों का नाम सामने आना, क्या ये कोई खास किस्म का माइंडसेट है जो मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है? देखिए शाजिया, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अभी 2 रोज पहले ही, परसों ही तदफीन हुई है एक बहुत बड़े शख्स की, मोहम्मद अली की। जी जी। और आप देखें कि पूरे दुनिया में यहूदी हो, ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे एथिस्ट हो, हर शख्स ने उसको एक मुसलमान के तौर पे जाना, उसके ख्यालात को समझा, एक पहचान वो बना, कितना बड़ा नाम, और पूरा अमेरिका उसके लिए रो रहा था। और 2 दिन ही लगे और वहां पर ये एक वाकया पेश आ गया और 50 से ज्यादा लोग वहां पे मारे गए, और एक पागल आदमी वहां पे इलेक्शन लड़ रहा है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, और जिसकी पूरी कंपेन ही चल रही है कि जी आपने इमिग्रेंट्स को निकालना है, आपने मुसलमानों को निकालना है, आपने जंगें छेड़नी है, आपने पता नहीं क्या खुदा जाने उसने करना है। और इस मुझे ये अब इस बात का यकीन है
कि आज का जो वाकया पेश आया है ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनेगा और इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनेगा और उसके नतीजे में एक पहले ही आप देखें ना, इससे पहले पेरिस में वाकया हुआ, बदकिस्मती से उसमें भी मुसलमान निकला। फिर ये लोग जो हैं ये पता नहीं कहाँ से ये लोग आ गए हैं, इस्लाम का नाम बदनाम करते हैं, इनका कोई ताल्लुक, साइकोपैथ आदमी वो लड़का, उसकी तस्वीरें आ रही हैं, वो सेल्फी ले जा रहा है, अपनी सेल्फियों पे अपने पिक्चर्स बना रहा है, इनका क्या ताल्लुक है इस्लाम के साथ? लेकिन बदकिस्मती के साथ ये लोग अब जो आ गए वहाँ पे सेटल हो गए, कैसे आए कैसे नहीं आए ये भी कहा जा रहा है कि FBI के रिडार में था वो, फिर उसने सारा कुछ कैसे किया, और 50 लोगों को मारना ये तो बहुत ही बहुत खौफनाक वाकया है। अल्लाह ताला खैर करे सब। तो फिर हम ये समझें कि अगर ऐसे वाकयात के बाद रिपब्लिकन इक्तदार में आते हैं तो फिर तो मुसलमानों के साथ 9/11 के बाद जो हुआ उससे भी बुरा हाल होगा। फिर पागल सारे अमरीकी हो जाएंगे, वो दुआएं मांग रहे हैं, ये पहले मुसीबत में फंसे हुए, ये आदमी ना आ जाए कहीं, वो तो और मुसीबत बपा कर देगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो इस्लाम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है पूरी दुनिया में वो इस किस्म के वाकयात से बढ़ता है, हालांकि ये एक प्रॉपर पागल लोग हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। इनको अगर आपने अमेरिका में इस्लाम को देखना है तो आप मोहम्मद अली को देखें, मोहम्मद अली की बातें आप सुने, वो जो हर मजहब के बारे में बात कर रहा है उसकी जो आप देखें कि वो किस कदर कितना एक यानी आजिज किस्म का शख्स था, वो किस तरह से हंसी मजाक कर रहा है हर एक के साथ, लोगों में घूम रहा है, वो सिर्फ बॉक्सर नहीं था। तो अगर आपने इस्लाम को देखना है अमेरिकन्स ने तो खुदा का वास्ता मोहम्मद अली को देखें, इस किस्म के पागल कातिलों को मत देखें। जी ज़फर इलाही साहब, योर कमेंट प्लीज। देखिए पहले तो बड़ी अफसोस की बात है, साथ साथ ये था अफगान, जी अफगान लगता है ये अफगान था और ही वॉज ब्रॉट अप इन अमेरिका, माने अमरीका में वो बड़ा हुआ, अमरीका में वो काम कर रहा था एज ए सिक्योरिटी गार्ड, माने ही वॉज वर्किंग एज ए सिक्योरिटी गार्ड। जो आदमी 50 लोगों को कत्ल करता है वो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था और ISIS का फॉलोअर था, बकौल FBI ही वॉज ऑन द सस्पेक्ट लिस्ट पे था उनका। और ऐसे आदमी को तो आप वॉच करना चाहिए। बहरहाल उसने जाके ऐसी बंदूक ली जो सिर्फ अमेरिका में, आप जाके अक्रॉस द टेबल जाके ऐसी बंदूक ली कि आप 50 लोगों को मार दें ऑटोमेटिक फायर और कोई बैकग्राउंड चेक कुछ नहीं। माने कि देखिए हालांकि अमरीका बड़ी अफसोस की बात है मगर उनको सोचना चाहिए कि भाई ये किस किस्म का सोसाइटी है हमारा जो ये सब चीजें पता होने डिस्पाइट दैट उसको आप सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं एक गे क्लब में, क्या आप उस पर और इन्वेस्टिगेशंस नहीं कर सकते थे? आई एम सॉरी, ये तो ह्यूज लैप्स है सिक्योरिटी का। साथ साथ एक बात तो मैं कह सकता हूं, मेरे ख्याल में अमरीका ने $1 trillion खर्च किया है अफगानिस्तान में लोगों को मारते हुए, $1 trillion उन्होंने खर्च किया है ये 20 साल पे। अगर वो $1 trillion प्रोजेक्ट्स पे लगाते और एजुकेशन पे लगाते क्या आपके ख्याल में बेहतर ये नहीं होता कि शायद ऐसे लोग निकलते नहीं उस मुल्क में और शायद एजुकेटेड होते, टॉलरेंट होते और ये हमारे को आज फेस नहीं करना पड़ता? पता नहीं, बहरहाल अफसोस है, बहुत अफसोस है। चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब खुर्रम नवाज गंडापुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अवामी तहरीक का धरना शुरू हो रहा है, आप सब जानते हैं कि 17 जून को 2 साल पहले मॉडल टाउन का जो वाकया है, डॉक्टर तारुल कादरी उसी के इंसाफ के लिए, उसके खिलाफ, उस वाकये के खिलाफ ही 17 जून को लाहौर में मॉल रोड पर धरना देने जा रहे हैं। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया नवाज, खुर्रम नवाज साहब सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस बार डॉक्टर तारुल कादरी साहब कितने टाइम के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर एक तासुर बन चुका है कि डॉक्टर तारुल कादरी साहब वतन वापस आते हैं किसी खास एजेंडे के तहत, लोगों को बुलाते हैं, सड़कों पर बुलाते हैं, लोग उनके लिए डंडे खाते हैं, अपना खून बहाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उन वादों को पूरा किए बगैर ही डॉक्टर साहब बाहर वापस चले जाते हैं। बता सकते हैं कि इस बार कोई खास एजेंडा है, किस एजेंडे के तहत डॉक्टर साहब वतन वापस आ रहे हैं? आपने इतना लंबा सवाल किया तो काइंडली इतना ही मुझे वक्त दीजिएगा जवाब देने का। लेकिन मैं पहले बता दूं, जब मुझे ब्रेक का बोला जाएगा मैं ब्रेक के लिए आपको रोकूंगी, उसके लिए आपसे पहले माजरत। ठीक है, हाँ 2013 में जो पहला धरना हुआ था वो किस लिए हुआ था? वो तो जमहूरियत के लिए धरना हुआ था
اور جس ڈاکیومنٹ کو 10 وفاقی وزراء اور وزیر اعظم پاکستان نے دن کی روشنی میں ٹیلی ویژن کی آنکھوں کے سامنے جس ڈاکیومنٹ پہ دستخط کیے، اس ڈاکیومنٹ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ 62 اور 63 کو ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ تو کیا ڈاکٹر طاہر القادری کا ذاتی ایجنڈا تھا کہ 62 اور 63 امپلیمنٹ ہو؟ آگے چلتے ہیں، 2014 میں جس طریقے سے اور جس بے دردی سے ہمارے 14 لوگوں کو گولیاں مار کے مار دیا گیا اور 85 لوگوں کو زخمی کر دیا گیا، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے ایک شہری کے ساتھ جب ایسا ظلم ہو تو وہ ظلم پہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے؟ ہم گئے سیشن کورٹ میں، ہم پہلے پولیس کے پاس گئے، پولیس نے ایف آئی آر نہیں کی، سیشن کورٹ گئے، سیشن کورٹ ٹائم پہ ٹائم، آخر کار جا کے جب ہم اسلام آباد کی سڑکوں پہ بیٹھے تو سیشن کورٹ کو ہوش آیا اور سیشن کورٹ نے انسٹرکشنز دی ایف آئی آر لاج کرنے کی، اور پھر 16 اگست کو جا کے ایف آئی آر لاج ہوئی۔ تو عرض یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، ہمارا ایجنڈا صرف اور صرف ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کے لیے انصاف۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بڑا ہی افسوسناک واقعہ تھا، جتنی مذمت کیجیے کم ہے، آپ لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے۔ مجھے بریک لینے دیں، مجھے بریک لینے دیں، لیکن ہمیں کہتے ہیں کہ بیچ میں ڈاکٹر صاحب باہر غائب کتنے عرصے کے لیے کیوں جاتے ہیں، پھر اچانک سے واپس آتے ہیں، پھر سے لوگوں کو باہر نکالتے ہیں، پھر دھرنا احتجاجی سیاست شروع کرتے ہیں، پھر واپس چل جاتے ہیں، بیچ میں اچانک کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ چھوٹے سے وقفے کے بعد بریک کے بعد خوش آمد ہے جی۔ خرم نواز گنڈاپور صاحب، کتنے عرصے کے لیے آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اس بار پاکستان؟ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ کم از کم 2 یا 3 مہینے ادھر ہوں گے۔ دیکھیے، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، الفاظ کا استعمال ذرا احتیاط سے کرنا چاہیے۔ آپ نے لفظ استعمال کیا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں آتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، آپ یہ بھول جاتی ہیں کہ لوگوں کی لوگوں کا تاثر بن چکا ہے۔ میری عرض سنیں نا، جی جی، میری عرض سنیں نا، لوگوں کا تاثر تو آپ مجھے ایکسپلین کرنے دیں۔ بات یہ ہے کہ باقی سیاستدانوں کے صرف چوری کے اور رشوت کے پیسوں کے فلیٹ ہوتے ہیں باہر کے ملکوں میں۔ تحریک منہاج القرآن ایک ایسا ادارہ ہے جس کا دنیا میں 90 ملکوں میں وجود ہے اور 65 اسلامک سینٹرز ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ، جس میں سے کہ 35 سے 40 یورپ کے اندر ہیں اور یورپ کے مختلف ملکوں میں ہیں۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری صرف پاکستان کی سیاست نہیں کرتے، اپنی ان کی ریلیجس جو ڈیوٹیز ہیں اور جو ہمارے 65 اسلامک سینٹرز ہیں، ہم لوگ سارا سال ان کو بھی ٹیک کیئر کرتے ہیں، اور دس از اے ہیوج امپائر۔ اچھا، اب عرض یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب باہر ٹریول کرتے ہیں تو آپ ان کا معمول 1990 سے دیکھیں، 1990 سے وہ اسی طرح باہر ٹریول کرتے رہے ہیں۔ بلکہ اگر آپ دیکھیے تو بیچ میں ایک ایسا وقت آیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب 4 سال پاکستان آئے ہی نہیں، پورے 4 سال وہ پاکستان نہیں تشریف لائے۔ تو ہمارا ایک سلسلہ منہاج القرآن کا بالکل یکساں مختلف ہے۔ خرم نواز صاحب، ہمیں ڈاکٹر صاحب کے باہر جانے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں، بات صرف یہ ہے کہ جب دھرنے اور احتجاج کیا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب کے جو بڑے بڑے وعدے ہوتے ہیں لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے، اور بیٹھ رہتے ہیں، کفن لے کر آتے ہیں، خدا کی قسمیں کھاتے ہیں، ہمیں تو، میرا تو سوال سمپل سا یہ ہے کہ پھر ان وعدوں کا کیا جو آپ لوگوں کو، معصوم سے لوگوں سے کرتے ہیں؟ آپ کی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ میرا بھی بڑا سمپل سا جواب ہے میری بہن، اگر آپ عدالتوں میں جاتے ہیں، عدالتوں سے باہر جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی عدالتوں کا راستہ استعمال نہیں کرتے۔ عدالتوں کی حالت یہ ہے کہ جسٹس باقر نجفی کی کمیشن بنائی گئی، وہ چیف منسٹر پنجاب نے کمیشن بنائی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ کمیشن کی رپورٹ ان کے حق میں نہیں آ رہی، تو آج 1.5 سال سے ہم عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ کو پبلش کرانے کے لیے۔ جو کمیشن حکومت نے بنایا، جو رپورٹ حکومت کو سبمٹ ہوئی، ہم تو صرف کہہ رہے ہیں کہ خدا را اس رپورٹ کو پبلش تو کر دیجئے، ہم تو اس کمیشن کے سامنے پیش ہی نہیں ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تو کیا پھر انسان
के हुसूल के लिए वापस सड़कों पर आना बच जाता है, या फिर ये एहतजाज अब एक सिंबल बन के रह गया है? सड़कों पर एहतजाज करना, धरने देना एक सिंबॉलिक एहतजाज नहीं लगता कि ऐसे इंसाफ मिलेगा इनको? देखें देखें शाजी, बात यह है कि दो दो तरफ से दो मसाइल चल रहे हैं। एक तो टी ओ आर का मसला जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, हिलाली साहब भी कह चुके हैं, हम भी कह चुके हैं कि टी ओ आर जो है वो खत्म हो चुका, उसकी अनाउंसमेंट बाकी है, वो आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, हुकूमत करे। वो कह रहे हैं हम जरदारी साहब को भी लाएंगे बीच में, कर्ज माफी वालों को भी लाएंगे, अदालत का वो 15 दिन का टाइम खत्म हो जाए, वो एक्सपायर हो गया, किसी वक्त अनाउंस करना है इन्होंने। इमरान खान कह रहे हैं हम सड़कों पे आएंगे, लेकिन ताहरुक कादरी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि हम मकासद अलग अलग हैं, वो कह रहे हैं कि हम आएंगे सड़कों पर टी ओ आर और पनामा लीक्स के ऊपर। ताहरुक कादरी साहब आ रहे हैं इंसाफ दिलाने, जो इनके कारकुन शहीद हुए थे और सारी दुनिया के सामने शहीद हुए थे, हार्ट फेल तो नहीं हुआ था ना उनका, किसी ना किसी ने तो मारा था उनको, तो अब उनका इंसाफ वो। लेकिन इसमें बात यह है कि अगर मामला सड़कों पे आ जाता है और हुकूमत उसको रिजॉल्व करने में इंटरेस्टेड ही नजर नहीं आ रही, और अदालत, मैंने पहले भी बात की थी, मैं दोबारा कह रहा हूं कि अदालत भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रही कि इंटरवीन करे बीच में और मामलात को सड़कों पे जाने से रोके। देखिए अगर झगड़ा हो जाता है, फर्ज करें किसी कोई दो पार्टियों को झगड़ा होता है तो बीच में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए किसी को आना पड़ता है, अगर कोई नहीं आता तो मोहल्ले के लोग आके सुलह करवा दें, नहीं आते तो पुलिस आ जाती है। फिर मुझे डर यह है कि पुलिस ना आए, आ जाए और सबको ना पकड़ ले आके कि तो ये पार्टी भी जाए अंदर, वो पार्टी भी जाए, सारे के सारे चलो थाने चलो, मुझे इस बात का डर है। और इस बात का इनको एहसास होना चाहिए, सियासतदानों को, ये इन्होंने पार्लियामेंट को मजाक बनाया हुआ है। ये जो मामला हुआ था, देखें आप मिनाज कुरान और अवामी तहरीक, इनकी सियासत से, इनके बाकी मामला से, डॉक्टर तालुका से आप 100,000 इख्तलाफ कर सकते हैं। बात दो बातें इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये है कि क्या कारकुनों को मारा गया या नहीं मारा गया, सरेआम गोलियां लगी या नहीं लगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि वो जो मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी सारे मुतालबात थे इलेक्शंस के हवाले से, 2013 के हवाले से, वो अपनी जगह वैसे ही मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, टी आर से भी ज्यादा मसला जो इमरान खान का एहतजाज है, उससे ज्यादा मुझे खौफनाक एहतजाज इसलिए लग रहा है ये ताहिर कादरी साहब का, कि इसमें वो कह रहे हैं कि मैंने बदला लेना है अपने कारकुनों का, और वो आर्मी चीफ से अपील कर रहे हैं, आर्मी चीफ से कह रहे हैं कि आपकी वजह से FIR कटी थी, अब आप हमें इंसाफ दिलाएं। अब मुझे ये बताएं कि पहले तो FIR आर्मी चीफ ने कटवा दी थी, अब आर्मी चीफ इंसाफ कैसे दिलवाएंगे इनको? ये हुकूमत को समझना चाहिए, ये देखें इनको बात समझनी चाहिए, सियासतदानों को, ये मामलात को क्यों खराबी की तरफ ले जाने पे तुल गए, क्यों चाह रहे हैं कि अपने डेथ वारंट्स पे, और बात यह है कि सड़कों पर अगर इसका हल नहीं हो सकता, पार्लियामेंट में इसका हल नहीं हो सकता, तो अल्टरनेट ऑप्शन क्या है इनके पास? फिर इनके पास चार ऑप्शंस हैं शाजिया, गवर्नमेंट के पास चार ऑप्शंस हैं। ये अब जो ये फेल हो गया है, इन लोग TORs पे अग्री नहीं कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ये कह सकती है, कोर्ट्स को जा सकती है और कहती है आप TOR बनाएं और साथ साथ आप वो लेजिस्लेशन भी ड्राफ्ट करें जो आप चाहते हैं हम पास करें, और साथ साथ एक कमीशन अपॉइंट करें और उसकी प्रोग्रेस आप खुद अपॉइंट करें और उसका प्रोग्रेस आप मॉनिटर करें। ये एक अल्टरनेटिव है। दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि गवर्नमेंट आ सकती है, कहती है ठीक है सड़कों पे लड़ना चाहते हो, हम तैयार हैं, और वो आ जाए। तीसरा अल्टरनेटिव ये है कि नवाज शरीफ साहब कहें, और जिसको कुछ लोगों ने उनको ये एक एडवाइस भी दिया था कि पेंडिंग द रिजल्ट आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन मैं स्टेप डाउन करता हूं। उसका मतलब ये होगा कि एक नया PML का N का आदमी प्राइम मिनिस्टर, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनेगा कुछ देर के लिए, एक महीना, दो महीना, तीन महीने, जो भी है, और फाइनल जो हो सकता है वो कह सकते हैं कि भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं न्यू इलेक्शंस कॉल कर रहा हूं। कुछ लोग ये मशवरे भी दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, हमने गवर्नमेंट को दिए थे कुछ लोग, और इतलात है कि मौलाना फजल रहमान भी इस तरह के मशवरे दे रहे हैं कि आप स्टेप डाउन कर जाएं, इनके अंदर से भी मशवरे आना शुरू हो गएंगे। नहीं, स्टेप डाउन बात करिए, स्टेप डाउन एक चीज है बिल्कुल सही, मगर दूसरा चीज है रेजिग्नेशन एंड न्यू इलेक्शंस, और उस वक्त कहें कि हमारे TORs जो हैं हम उनको रेफरेंड समझो, ये इलेक्शन जो होगा ये रेफरेंडम उन पे होगा। इन अदर वर्ड्स कि हम जो दिए थे ऑपोजिशन को TORs जो हमने सबमिट किए थे वो मुनासिब हैं। देखिए बात असल ये है, गवर्नमेंट को तो फेस फैक्ट्स, ये जो अग्रीमेंट नहीं हो रही है, सब लोग कह रहे हैं ये गवर्नमेंट इसलिए नहीं होने दे रही है कि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए उनको, ये गवर्नमेंट पे आ रहा है। दूसरी बात, माफ करिए एक और थोड़ा सा जी
कोर्ट्स जो हैं वो इंटरवीन कर सकते हैं। देखिए 2008 में चीफ जस्टिस ने कहा था, या वो तकरीर में कहा था या एक रेफरेंस में कहा था, उन्होंने ये कहा, आई कोट, कि इफ पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव आर इनडिफरेंट टू द ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड बाय टू देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इन अदर वर्ड्स उसका मतलब है अगर पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव दोनों काम वो सीरियसली ना ले उनके जो ड्यूटीज हैं, तो फिर हम एक्शन लेंगे। और आप देखिए ये एक्शन अगर वो कोर्ट्स लें, ये बहुत पॉपुलर होगा, इसलिए कि हमारे जो लोग हैं, अवाम जो है जी, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ना इंसाफी, करप्शन और बैड गवर्नेंस होता है। गंडापुर साहब से पूछेंगे 17 जून को होने वाला जो मॉल रोड पर एहतजाज है, क्या ये पुरअमन एहतजाज होगा और कितना तवील धरना होगा, और साथ ही हम बात करेंगे कि पीटीआई भी सड़कों पर है, बिलावल साहब भी अपने कारकुनों को सड़कों पर आने की हिदायत कर चुके हैं, और डॉक्टर ताहिरुल कादरी का भी धरना। तो जो मुल्क की सियासत है ये किस जानिब जा रही है, क्या मौजूदा सूरत हाल एहतजाजी और सड़कों की सियासत की मुतामिल हो सकती है, एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, सबसे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल, क्या जो 17 जून को आप धरना देने जा रहे हैं, धरना रमजानुल मुबारक के महीने के बाद नहीं हो सकता था, सख्त गर्मी है, रोजे की हालत में लोग आएंगे, मेन जो शहरा है मॉल रोड उसको आप बंद करेंगे, लोगों को परेशानी का सामना होगा, क्या ये एहतजाज या धरना ईद के बाद नहीं हो सकता था? देखिए मैं एक बात कहूंगा, अगर आप पिछले एक माह से नज़र रखे हुए हैं हालात के ऊपर, तो नाबीना अफराद माल रोड पर आए, यंग नर्सेज आईं, यंग डॉक्टर्स आए, ज़मींदार और किसान आए, उसके बाद ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन भी आ रही है उसी दिन दिन के बाद। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं तो रमजान के महीने को सामने रख के बात कर रही हूं। मैं रमजान में कर रहे हैं, ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन जो है ये भी रमजान उल मुबारक में कर रहे हैं। दो चीजें हैं, नंबर एक ये है कि हमारा 17 जून इसलिए टाइड है कि 17 जून को दैट मैसेकर वाज ब्रॉट अपॉन अस, तो अगर मेरे वालिद की एक बरसी है तो मैं बरसी के दिन ही मनाऊंगा ना, मैं ये तो नहीं देखूंगा कि वो बरसी जुमे को आती है या हफ्ते को आती है या इतवार को आती है। तो 17 जून हमारे लिए बहुत बड़ी सिंबलिज्म का हामिल है और इसलिए ये हमको 17 जून को मनाना लाजिम है। लोगों की डिस्टरबेंस कम से कम करने के लिए हमने जलसा रखा है रात 10 बजे से लेके सुबह 2 बजे तक। अच्छा। जिस वक्त लोग घरों में सोए होते हैं उस वक्त हमने जलसा रखा है ताकि लोगों को भी तकलीफ ना हो, ट्रैफिक की मिनिमम डिस्टर्बेंस हो, और हमारे जो वर्कर्स हैं उनको भी रोजे के दौरान तकलीफ ना दी जाए। बाद अज मगरिब, बाद इफ्तार के ये शुरू होगा और सहरी से पहले खत्म हो जाएगा, ये सिंबॉलिक है। अगर हमने सीरियस धरना देना होगा और अगर हुकूमत के खिलाफ हम कुछ मूवमेंट चलाएंगे तो वो डेफिनेटली रमजान के बाद होगी। दूसरा रहा सवाल पुर अमन का, से पूछ लो और कौन सी जमातें आपके साथ आ रही हैं? हमारे साथ जी इस सिंबलिज्म में एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी देयर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज गोइंग टू बी देयर, एमक्यूएम से मेरा राबता है, एमक्यूएम तशरीफ ला रही हैं, इसी तरह जमात इस्लामी तशरीफ लाएगी, इसी तरह पीटीआई आएगी, पीएमएलक्यू आएगी और बेशुमार जमाते मजलिस वहदत मुस्लिमीन हमारे साथ खड़ी होगी, सुनी इतिहाद काउंसिल हमारे साथ खड़ी होगी, पाकिस्तान शिया पार्टी साथ खड़ी होगी। देर आर ऑलमोस्ट 3 dozen पार्टीज सिवाय मियाँ नवाज शरीफ और उनके हठधर्म दो जो साथी हैं, एक JUI और एक ANP, इन सब के अलावा ANP और JUI को अल्लाह ने यह भी तौफीक नहीं दी कि 17 जून जिस वक्त हो रहा था सब लोग हमसे इजहार हमदर्दी के लिए टेलीफोन कर रहे थे, ना मौलाना फजल रहमान की तरफ से कभी आज तक जिंदगी में एक फोन आया और ना ही इसी तरह असफंदियार वली साहब की तरफ, तो जिससे ये प्रूव होता है उनको पाकिस्तान के अवाम से कोई हमदर्दी नहीं है। ठीक है खुर्रम साहब, कुछ तो हम हमेशा से पुरअमन रहे हैं,
आज भी पुरामन है, 70 दिन का जो धरना था वो भी आपने पुरामन देखा। अगर हुकूमत किसी चीज की इब्तिदा करती है तो जाहिर है मुदाफियत जो है, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस रेस्ट विद एवरीबॉडी। ठीक है, आइंदा के लाए अमल के लिए डॉक्टर साहब कुछ अहम ऐलानात करेंगे इंशाल्लाह ताला, जो ही वो 15 को लैंड करेंगे, 15 शाम से आप देखेंगे कि सियासी मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इंशाल्लाह ताला हमारा एतिकाफ होगा रमजान के आखिरी अशरे में, ईद के बाद आइंदा का पॉलिटिकल लाया अमल तय होगा और इंशाल्लाह ताला उस सफर पे हम रवाना। ठीक है डॉक्टर साहब, पीटीआई भी सड़कों पर, पीपल्स पार्टी भी कहा जा रहा है सड़कों पर आएगी, डॉक्टर साहब भी, डॉक्टर तालुल कादरी की जमात भी धरना देने जा रही है। ये बात तो सब जानते हैं कि खान साहब ने जो धरना दिया था 2014 में वो तो हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन लोग अब ये सोच रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी भी इमरान खान के साथ सड़कों पर आ जाती है क्या ये हुकूमत हजम कर पाएगी? देखिए हुकूमत के जो लोग हैं ना, जो ऑफ द रिकॉर्ड बात करें शाजी, वो ये कर रहे हैं कि हम अर्ली इलेक्शंस का ऐलान कर देंगे। अच्छा। अगर ये सड़कों पे आ गए तो हम कहेंगे, वो मेरी दो वजीरों से बात हुई, दो वफाकी वजीर ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हम अर्ली इलेक्शंस का ऐलान कर देंगे और हम कहेंगे कि जी हमें काम नहीं करने दिया गया, हमारे खिलाफ साजिश हुई है और इसीलिए हमारे सारे मंसूबे पूरे नहीं हो सके, पावर प्लांट भी नहीं बन सके, वो मेट्रो भी नहीं, ये हो गया वो हो गया और हमें मजबूरन इलेक्शन का ऐलान करना पड़ा। अल्लाह खैर सल्ला। हिलाली साहब ने जो इलेक्शंस की बात की थी ना, मैं इलेक्शंस देखें, इलेक्शंस का इसी असेंबली को मसले हल करने चाहिए। कैसे इलेक्शन हो सकता है अगर मर्दमशुमारी नहीं हुई? कैसे इलेक्शन हो सकता है अगर दो तिहाई पार्लियामेंट के लोगों के केसेस नैब में पड़े हुए हैं, मेगा करप्शन केसेस के, वो जो पनामा लीक्स, जब तक ये मसले हल नहीं होते। एक बड़ा जी डॉक्टर साहब, अदब से सिर्फ एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि आज तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही मारेज़ वजूद में नहीं रहा, और अगर जब तक ऑपोजिशन इनके साथ एग्री नहीं करेगी तो नया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील ही नहीं होगी। आप कंटिन्यू करें जी। सही वक्त काम है मुझे जफर हिलाली साहब, जी जी डॉक्टर साहब कंप्लीट कर ले। हिलाली साहब, ये जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं हुकूमत की स्ट्रेटजी, देखिए यानी नहीं हुकूमत देखिए कैसे खुशीशा साहब और नवाज शरीफ साहब एक केयरटेकर बना ले 2013 की तरह की, और वहां पर एमकेएम बना ले पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, और वहां पर ये कैसे, ये इस तरह नहीं होगा। अब इस तरह देखिए लोगों में शऊर आ चुका है, इस तरह इलेक्शन नहीं हो सकता जिस तरह 2013 में हुआ था। ये दानिशमंदाना स्ट्रेटजी है हिलाली साहब ने भी जी, देखिए समझना ये चाहिए कि दो इन पार्टीज के अलावा और भी प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीन में। मैंने तो आपको जुडिशरी को आइडेंटिफाई किया, एस्टेब्लिशमेंट भी है। अब आपको मैं, हमारा सबका ये रहेगा, ख्वाहिश रहेगा कि डेमोक्रेसी प्रिजर्व हो। Definitely. तो जो चार अल्टरनेटिव्स मैंने आपको दिया है उसमें डेमोक्रेसी प्रिजर्व रहता है। फिर से मैं कहता हूं, गवर्नमेंट पूछेगी कोर्ट्स को, तुम करो और टोर्स लेजिस्लेशन ड्राफ्ट करो और सुपरवाइज करो कमीशन को और अपॉइंट करो कमीशन को। दूसरे दफे वो कह सकते हैं हाँ ये अगर सड़क पे आ जाए तो वो तो वो तो फिर कुछ भी हो सकता है। और मेरे ख्याल में अगर ये, और अगर इफ ही डज नॉट स्टेप डाउन या रिजाइन, और जब रिजाइन करेंगे तो वो कहेंगे कि भाई बिल्कुल यही बातें जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इनके अपने लोग कह रहे हैं कि मुझे काम नहीं करने दे रहे, लिहाजा मेरा TOR जो मैंने इनको रिकमेंड किया है और मेरे परफॉर्मेंस अब तक, ये समझिए एक रेफरेंडम है ये इलेक्शन में जो होगा, अगर आप मुझे वोट करेंगे ये सब प्रोजेक्ट्स में कंप्लीट करूंगा, नहीं तो मैं चले जाऊंगा। देखिए कहने की बात ये है, अगर ये चारों अल्टरनेटिव्स नहीं हुए या सड़क पे चले जाए तो पाकिस्तान इस वक्त फेसेस इकोनॉमिक पॉलिटिकल रुइन। मेरे ख्याल में यही मैं पूछना चाह रही हूं, फिर छोटी ईद और बड़ी ईद के दरमियान कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है? लेकिन देखिए ना जी, पाकिस्तान तो ईद ही खत्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसीज। पॉलिटिकल टर्मोइल होगा, फाइनेंशियल टर्मोइल होगा, पॉलिटिकल टर्मोइल होगा हमारा सब। इस वक्त आपके आपके स्टेट ऑफ अफेयर्स कोई हुक्मरान नहीं है पाकिस्तान में, फेडरल सेक्रेटरी ने काम छोड़ दिया इस्लामाबाद के अंदर, यहां पर काम रुका हुआ है, असेंबली क्यों बैठ रही है, क्यों खत्म हो रही है, आपने इतने दिनों से सुना असेंबली के अंदर बजट पे बहस हुई हो? अगर मिस गवर्नेंस का ये हाल हो
कि जहां ना इंसाफ हो ना वहां करप्शन, मेगा करप्शन का हर रोज एक नया स्कैंडल खुले, जहां हुकूमत अब आज इलेक्शन कमीशन को खत्म हुए दो दिन हो गए हैं, नई इलेक्शन कमीशन कौन बनाएगा इस असेंबली में अगर पीपल्स पार्टी कोऑपरेट नहीं करती तो नई इलेक्शन कमीशन ही नहीं बन सकती। अगर नई इलेक्शन कमीशन नहीं बन सकती, वो भी चाहते हैं कि जमहूरियत रहे, वो कर लेंगे कोऑपरेट, क्यों आप समझते हैं नहीं करेंगे? ये दो दिन की बात है, ये बात नहीं है। अगर उनको ऑल्टरनेटिव आप दें गंडापुर साहब कि या डेमोक्रेसी या नो डेमोक्रेसी, पीपल्स पार्टी पहले दिन में एक दिन में राजी हो जाएंगी, क्या बड़ी बात है चार लोगों को सिलेक्ट करना, चार ईमानदार लोगों को। जी डॉक्टर साहब, ये किसी तरह आवाम, किसी तरह मीडिया, ये खुदा का वास्ता, हम ये हमारा प्रेशर, सब पहले होता था कि सब मीडिया के प्रेशर में आकर शर्म आती थी, अब वो भी नहीं है, अभी बातें नहीं सुनते, कह रहे नहीं हमने बजट अच्छा बनाया, नहीं आवाम डेरे बह रही है, नहीं ये कुछ लोग हैं, ये साजिश का। मैं ये चाहता हूं कि किसी तरह ये अकल के नाखून लें, इस पार्लियामेंट को खुदा का वास्ता सिस्टम को बचाएं, इंतसाब करें, अपने दो चार लोगों को टांग दें, जेलों में भिजवा दें, लोग हंसी खुशी इनको बर्दाश्त करें, करप्शन के केसेस खत्म करें, कोई खारजा पॉलिसी बनाए। मुसीबत यह है कि ये लगता है सारे, और मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, ये सूबों के पूरे अशराफिया, पूरे एलीट, उन्होंने तय कर लिया है, तय कर लिया है। डॉक्टर साहब, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, इसी बात की तो लड़ाई है। नहीं, मैं तो कहता हूँ घंटी नहीं बंधेगी तो रस्सी बन जाएगी। ये देखे ना, बात ये है कि इनको तो इनको सोचना चाहिए कि घंटी नहीं बंधेगी तो रस्सी बंधेगी, बन जाएगी। देखे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, मुल्क तो चलाना है आगे। डेमोक्रेसी में एक ही तरीका है, अगर ये लंगड़ा लूला डेमोक्रेसी आप चलाना चाहते हैं और हम सब चलाना चाहते हैं, तो ए रेफरेंस टू द पीपल, ये एक ही सिलसिला है, ये एक ही तरीका है भाई। हम सब चाहते हैं जमहूरियत चलती रहे, अ रेफरेंस टू द पीपल, अ रेफरेंस टू द, एक सेकंड, अ रेफरेंस टू द पीपल प्रोवाइडेड देयर इज ट्रू डेमोक्रेसी, प्रोवाइडेड देयर इज अ जेन्युइन इलेक्शन कमीशन, प्रोवाइडेड पीपल गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ 62 एंड 63। आज 3.5 साल नेशनल असेंबली को हो रही है, अब भी डिस्क्वालिफिकेशंस हो रही हैं जाली डिग्रियों पर, तो क्या हम डिग्रियां एक हफ्ते या एक महीने में चेक नहीं करवा सकते? जो 3.5 साल से जाली डिग्री वाला पार्लियामेंट में बैठा था, क्या वो आवाम के हकूक गसब नहीं हुए? तो डेमोक्रेसी हैज टू बी स्पिरिट, डेमोक्रेसी चलती रहे, जमहूरियत को डीरेल नहीं होना चाहिए, मसाइल का हल पार्लियामेंट में होना चाहिए, पार्लियामेंट ही वो इदारा है जहां तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए, वापस आते हैं नाज़रीन, छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में औरतों पर तशद्दुद के, खासकर औरतों को ज़िंदा जलाने के वाकयात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे वाकयात पे जो मुलव्वस अफराद होते हैं, हमारा सवाल यह है कि क्या वो नफसियाती तौर पर नॉर्मल होते हैं? मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर उमर शाह माहिर नफसियात टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इस तरह के वाकयात में जो मुलव्वस अफराद होते हैं, क्या नफसियात होती है कि आपकी इंसानियत ही खत्म हो जाती है, ज़रा सा भी रहम नहीं आता? क्या नफसियाती तौर पर ये लोग नॉर्मल होते हैं, किसी भी औरत को ज़िंदा जला देना, बदतरीन तशद्दुद कर देना, उसे जिंदा मार देना? बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। पहली बात तो ये कि जो इस तरह के अफराद काम करते हैं, जिंदा जलाने वाले या बदतरीन तशद्दुद या रेप और इस तरह के सब लोग, हम ये नहीं कह सकते कि सब के सब नफ्सियाती मरीज हैं। कुछ लोग इनमें से वाकई होते हैं, क्योंकि जो अगर आप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की जो रिसर्चेज हैं उन पे कभी गौर करें, तो उसमें कभी भी एक फैक्टर कोई नहीं है कि हम किसी एक फैक्टर को कह दें जी ये बंदा जो है ज़हनी मरीज था, इस वजह से इसने ये काम किया। हाँ, कुछ लोग जरूर होते हैं, लेकिन वो बहुत कम, इक्का दुक्का वाकयात हैं, और ये वेस्ट में भी हैं, पूरी दुनिया में कॉमन है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। उसके बाद कुछ साइकोसोशल फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें कुछ पर्सनैलिटी टाइप्स हैं, एक एंटी सोशल पर्सनैलिटी होती है, वो लोग जो हैं वो दूसरों के हकूक का बिल्कुल भी रिगार्ड नहीं करते, उनकी नज़र में किसी जान की, किसी
کے کو تکلیف دینے کی کوئی مطلب کوئی اذیت نہیں ہے. ان ادر ورڈز دوسروں کی خواہشات کا احترام بھی نہیں کرتے. بالکل نہیں کرتے. وہ اینٹی سوشل پرسنالٹی کے لوگ ہوتے ہیں. اس کو ہم ایک طرح سے بیماروں میں رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہمارے ہاں واقعات ایک تسلسل کے ساتھ اور ان کی تعداد اور انٹینسٹی جو ہے مستقل بڑھتی جا رہی ہے, یہ ایک ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں. یہ ایک انڈیویجول کا واقعہ نہیں ہے, یہ پورے معاشرے کو جو ہے وہ علاج کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, مائنڈ سیٹ ہے جو پرویل کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود. ڈاکٹر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے معاملات میں لوگ سڑکوں پر نہیں نکلتے ہیں. ٹی آرز کا مسئلہ ہے, سڑکوں پر نکلنے کی بات کی جا رہی ہے. اب کسی کی تنخواہیں نہیں بڑھی, لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں, احتجاج شروع کر دیتے ہیں. ایسے واقعات میں ہماری سیاسی جماعتیں کیا سوئی بھی ہوتی ہیں؟ ایسے واقعات میں سڑکوں پر کیوں نہیں انہیں نکلنا یاد آتا؟ شازیہ, میرا خیال ہے کہ یہ اس کو یہ پورا معاشرہ جو ہے نا ہمارا, یہ شاید پوری دنیا, مجھے لگتا ہے وہ ایک فلم ایک زمانے میں آئی تھی, میڈ 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 ورلڈ. لوگ ایک لوگوں کا آپ مجموعی سوسائٹی کا انحطاط ہوتا ہے نا, گر جاتے ہیں سارا کا سارا معاشرہ. آپ کو ایک دم لگتا ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ پرسوں ایک ٹاک شو میں جو ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جی. اس میں ماروی سرمد اور دوسرے جو مہمان ایک تشریف لائے ہوئے تھے جی جی جی. کے جو گالم گلوچ وہاں پہ ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں وہ جو ایک لڑکی کو چند روز پہلے جلایا جا رہا تھا, جو زندہ تھی وہ, تو اس کا بھائی کھڑا ہوا ویڈیو بنا رہا تھا موبائل سے. آپ کو یاد ہے وہ کیس ہوا تھا کچھ روز پہلے؟ وہ موبائل سے بنا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات کرتی تھی گھر سے نکل کے. اور یہ تو آپ چھوڑیں, آپ یہ دیکھیں کہ 100-100 2-200 آدمیوں کا قتل کراچی میں کر کے عزیر بلوچ اور باقی ٹارگٹ کلر بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ٹالرنس نام کی چیز وہ ایک ہوتا ہے نا کہ, اور ان حالات میں آپ یقین کریں آج رمضان ہے اور میں دل کی گہرائیوں سے دعا کر رہا ہوں کہ ایک شخص جس کا نام عبدالستار ایدھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. وہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور ان کے پاس لوگ جا رہے ہیں اور ان سے جا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک سے باہر چلے جاؤ, اور کہہ رہے ہیں نہیں میں ادھر ہی رہوں گا. یعنی یہ وہ آدمی ہے, دیکھیں یہ ہمارا کلچر ہوتا تھا, یہ ہماری انسانیت ہوتی تھی کہ لوگوں کو, میں نے خود ہلالی صاحب نے آپ نے سب نے دیکھا کہ لوگ اپنے پیاروں کو نہیں دفناتے تھے کہ جی یہ اس کی لاش اتنی پرانی ہو گئی, اور ایدھی صاحب ان کو غسل دے رہے ہوتے تھے. اور ایدھی صاحب میرے نزدیک یہ جو سو کالڈ ہمارے یہاں اسلام کی بات کر رہا ہے, کوئی لبرل کوئی سیاسی ایجنڈا, ایدھی اتنا بڑا آدمی, اتنا بڑا شخص ہے وہ, میں کہتا ہوں, اور مجھے نہیں پتا کہ ایدھی صاحب کے بعد کون ہوگا. یعنی سرکاری ہسپتالوں میں دوائیاں ختم, ایدھی صاحب کے پاس کبھی دوائیاں ختم نہیں. بالکل صحیح. سرکاری ہسپتالوں میں کفن غائب, ایدھی ٹرسٹ میں کبھی کفن ختم نہیں ہوا, اور وہاں ہر وقت, اور انہوں نے یہ رسم ڈالی کہ بچیوں کو نہ مارو. آج ہم بچیوں کو جلا رہے ہیں, انہوں نے رسم ڈالی کہ بچیوں کو نہ مارو, رات کے وقت جھولے میں ڈال کے چلے جاؤ. یہی پاکستان تھا, یہی ہم لوگوں کی یہ ایک مورل ویلیو تھی. اور آج آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو مطلب میں تو بطور ایک پاکستانی کے انتہائی دکھ محسوس کرو دل کی گہرائیوں سے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کون لوگ ہیں جو بچیوں کو جلا رہے ہیں, بچوں کو مار رہے ہیں. اب دیکھیں نا, ایک ماں نے لاہور میں پچھلے دنوں زندہ جلایا, صرف اس وجہ سے کیونکہ اس نے اپنی پسند کی شادی کر لی تھی. صرف اس کا اتنا سا قصور تھا کہ گھر سے بھاگ کے اس نے پسند کی شادی کر لی اور اس کو گھر واپس بلایا اور اس کو زندہ جلا لیا. ایک ماں نے, بھائی نے مل کے اپنی بیٹی کو اور بہن کو زندہ جلایا. ظفر ہلالی صاحب, دیکھیے یہ آپ نے جو بات کہا ہے بالکل صحیح ہے, مگر اگر بیٹا آپ نے مرضی سے شادی کی ہے تو اس کو کیوں نہیں جلاتے ہیں؟ ویری ٹرو, ویری ٹرو. بیٹی کو تو جلا دیتے ہیں, مگر بیٹے کو جو مرضی سے کرتا ہے اس کو تو نہیں جلاتے ہیں. اور کیا وجہ کیا ہے کہ یہ جو فیملی آنر ہے وہ صرف وہ اس وقت ہوتا ہے کہ عورت کو مار دو, بھائی آدمی کو بھی تو مارو. مانے کہ اس یہی آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو کوئی ہماری سوسائٹی میں ایکچولی مرد ہولڈ کرتا ہے, یہ ایک تاثر ہے, ایک مائنڈ سیٹ بن گیا. اب بالکل, اور کیوں, میں آپ کو دو تین وجہ بتاتا ہوں. ایک تو وہ پدر شاہی ہے, یہ تو ان کی اتھارٹی اور تھریٹ جو ہے وہ سمجھتے ہیں وہ وی آر لوزنگ اٹ. دوسرا یہ ہے کہ اس ملک میں شازیہ, دس از دا لیسٹ لٹریٹ سوسائٹی ان ساؤتھ ایشیا, اور میں تو سمجھتا ہوں ان دا ورلڈ لیسٹ لٹریٹ سوسائٹی. اور ہمارے پولیٹیشنز, پولیس, ملا, بیوروکریٹس, یہ سب ایک ہی پود کے ہیں. اگر آپ مجھے پوچھیں, دے ہیو ناٹ گاٹ آؤٹ آف دس فیوڈلسٹک کانسیپٹ.
तो इससे अगर आपको निकलना है आपकी लीडरशिप ठीक होनी चाहिए। लीडरशिप और कानून, मैंडेटरी डेथ सेंटेंस फॉर रेप, स्पेशल कोर्ट्स, मैंडेटरी डेथ सेंटेंस, और मैं समझता हूं पब्लिक हैंगिंग्स होना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट के केसेस हैं हजारी साहब, सीधा सीधा मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होना चाहिए, इनका सरेआम फांसी लगनी चाहिए। मिलिट्री कोर्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट्स, जो भी कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स, मिलिट्री कोर्ट्स, मैं तो कहता हूं औरत कोर्ट्स होने चाहिए। और दूसरी चीज, औरत की कदर इस मुल्क के उस वक्त आएगी जब आप उनको कोटा सिस्टम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन दे हर काडर में, एक्सेप्ट जब उनकी फिजिकल ऑब्वियसली लड़ाई नहीं कर सकते ये वो, उसके अलावा हर सर्विस में, हर काडर में। भाई दे 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, हिलाली साहब आदमियों को भी मार देती है, औरतें भी। कराची में एक औरत ने मार दिया था अपने शौहर को, जरा थोड़ा सा मतलब औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, आदमियों को भी मार देती है औरतें, जरा उधर भी मर्दों को भी मासूम मान लेते हैं, लेकिन औरतों पर 75 लोग लास्ट 2015 में 75 औरतें मारे गए, जलाए गए, 44 मर गए। बहरहाल ऐसी कानून साजी होनी चाहिए कि किसी को माफी ना मिल सके, किसी की जमानत ना मिल सके, कड़ी से कड़ी सजा मिले। देखें आप। सही, बहुत शुक्रिया सफर हिलाली साहब, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, प्रोग्राम का वक्त हो गया है। नाज़रीन, ज़िशान को नाइट एडिशन से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।